الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة آل عمران کی 164ویں آیت ہے जिसमें अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु ने उस दुआ की कबूलियत का इजहार फरमाया जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की तकमील पर फरमाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी जिस वक्त काबे की तामीर की तकमील हो गई, सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगी, अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ मांगी, फिर ता क़यामत आने वाली उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत मांगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये है, रब्बना وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اے میرے پروردگار، میں نے کعبے کی تعمیر کی تکمیل فرما دی، اب تو ایک ہم دونوں کو یعنی مجھے اور اسماعیل کو مسلمین لک तेरे मानने वाले बना दे। वो मिन ज़ुर्रियतिना और हमारे नस्लों को उम्मतन मुस्लिमतन लक तेरे ताबेदार उम्मत बना दे। वो अरीना मनासिकना हमें हज के अरकान सिखा, व तुब अलैना हमारी तरफ मुतवज्जे होकर हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ कर। इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम आप बेपनाह बंदों की तरह मुतवज्जे होने वाले और रहम करने वाले हैं। फिर एक अहम दुआ अल्लाह ताला से ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए की, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम ऐ अल्लाह तू उन्हीं में से रसूल मबऊस कर, यानी जिस इलाके की हमने तामीर की है, जहाँ पर हमने काबा बनवाए हैं, उस काबे के इर्द गिर्द आपसे हम ये इल्तिजा करते हैं कि आप ऐसे नबी को मबऊस कीजिए इस जगह पर जो यहीं के बाशिंदों में से हो, बाहर के लोगों में से नहीं, यहीं के बाशिंदों में से। इससे उलमा ने एक अजीब बात फरमाई,
जब भी आप अपने इलाके के लिए इमाम और खतीब का इंतखाब करो तो इस बात का ख्याल रखना क्या वो उसी इलाके के मिजाज के हैं, क्या वहाँ की तबीयत उनकी तबीयत है, वहाँ की फितरत उनकी फितरत है, वहाँ के लोगों में उनके रिश्तेदार मिलने जुलने वाले हैं या अजनबी इंसान हैं। अगर आप अजनबी इंसान को इमाम बना दोगे, खतीब बना दोगे, मुस्लिह बना दोगे, मुरब्बी बना दोगे, तो फिर क्या होगा, ये बेचारा अपने आप को निहत्ता समझेगा, कमज़ोर समझेगा, हर एतबार से हाथ और पैर से माजूर समझेगा, ये कुछ कहना चाहेगा लेकिन अपनी बेबसी से मजबूर होकर कह ना सकेगा, ये बताना चाहेगा लेकिन इससे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बता सके, इसलिए कि ना उसके कोई यहाँ रिश्तेदार हैं, ना मिलने जुलने वाले हैं, ना ताल्लुकात वाले हैं, ना ही इससे नस्बत रखने वाले और ना ही इससे कोई हसबी और नसबी ताल्लुक रखने वाले हैं। इसीलिए तमाम अंबिया जो भी मबूस हुए वो सब उन्हीं के खानदान में से हुए, उन्हीं के कौम में से हुए। इसी वजह से जहाँ जहाँ इलाके के उलमा ने मेहनत की वहाँ वहाँ माशाल्लाह मेहनत पायदार हुई है, जहाँ जहाँ बाहर से उलमा ने आकर मेहनत की वो मौलाना जाते ही उनकी मेहनतें भी उनके साथ चली गई, मेहनतें बाज मरतबे नसे मनसिया हो जाती हैं। इसीलिए हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मौत तक की तशकील फरमा कर लोगों की तकर्री करते थे, आप जहाँ जाते हैं वहाँ आखिरी दम तक रहेंगे, गोया वही आपका इलाका है, वही आपके जीने की जगह है, वही आप रहेंगे, वही आप जिएंगे, वही आप मरेंगे, आपके कब्र बनेगी तो वही बनेगी, इस नीयत के साथ जाया करो। चुनाचे बराह रास्त हज़रत मुफ्ती शफी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो देवबंद के रहने वाले सैलम में आकर उन्होंने जब ठिकाना डाला तो हज़रत ने कहा मैं यहाँ आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, मैं नहीं आया अपनी मर्जी से। और जिस वक्त वो आए कोई भी उर्दू जानने वाला नहीं था इल्ला माशाल्लाह, वो भी ऐसी उर्दू बोलते थे आधी उर्दू आधी तमिल। एक लतीफ़ा आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि गुजरात की जमात पेरनाबट पहुँची, वहाँ पर दावत देने के लिए साथी आए, जब भी जमातें आती हैं इकराम करने वाले नुसरत करने वाले साथी आते हैं, तो वह आए और आकर कहने लगे कि आज आपको हमारी तरफ से दावत है। उन्होंने कहा ठीक है भाई मंजूर है। कहा अमीर साहब, अमीर साहब कोली की बिरयानी खाती हैं क्या आप? अब उन्होंने बोले भाई हम तो कोली की बिरयानी तो नहीं खाते, वो तो ना जायज़ है, हराम है, वो कैसे खा सकते हैं। इन्होंने कह दिया। अब उन्होंने जाकर कहा क्या भाई अमीर साहब कोली की बिरयानी खाना ना जायज़ कहते ना। अब शहर में ये हंगामा, लोग मगरिब में जमा हो गए और कहा हजरत क्या अमीर साहब आपने कहा कि कोली की बिरयानी खाना नाजायज़ है? कहा भाई इन्होंने आकर कहा कि कोले की बिरयानी, हमने कहा भाई कोला तो नाजायज़ है, वो कैसे खा सकते हैं। कहा नहीं हजरत कोली कहते हैं मुर्गी को, और ये पूछ रहे थे क्या मुर्गी की बिरयानी खाएंगे आप, चलेगा आपको? तो कहा भाई इन्होंने मुर्गी को नहीं कहा, इन्होंने कहा कोली, तो हमने कहा कि कोली हो कोला हो दोनों नाजायज़ हैं, अरे कोली की बिरयानी कौन खाएगा। तो इस तरह की हमारी उर्दू होती है, जब भी शुमाली हिंद में हमारी जमातें जाती हैं और जब उर्दू बोलने लगते हैं तो आसपास में लोग बात कर लेते हैं भाई तर्जुमा कब होगा। उनसे कहा जाता है भाई ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो ज़ुबान से बोल रहे हैं वही ज़ुबान उर्दू है,
हैरत में पड़ जाते, उर्दू है ये, उर्दू है। तो हजरत मुफ्ती शफीक खान साहब रहमतुल्लाह फरमा करते थे, हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे उर्दू जानने वाला कोई था ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह। तो क्या हुआ, अब हजरत ने मेहनत की, हजरत ने कोशिश की, माशाल्लाह ऐसी बेहतरीन और प्यारी तमिल बोलते थे, वो कुत्ते को भी बहुत इज्जत देते थे तमिल में, नाई वंदांगो, वंदांगो जो है वो इस्तेमाल होता है बड़े अदब के साथ, वो तशरीफ़ लाए, तो तशरीफ़ लाए तो हजरत की तमिल बड़ी बाअदब तमिल होती थी, तो हजरत फरमाते थे तमिल में, नाई वंदांगो क्या मतलब, कुत्ते तशरीफ़ लाए, और यहाँ के जो कुछ हड्डियाँ थी वो सब के सब घसीट कर ले गए, वंदांगो, इस तरीके से अदब से बोलते थे। अलगर्ज मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वबअस फीहिम रसूलन मिन्हुम, या तो उन्हीं में का रसूल हो या उन्हीं में जाकर रह जाने वाला रसूल हो, इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम उन्हीं में से हुआ करते थे। अब यहाँ आते हैं तो भाई घर ही नहीं तो मेहनत हमारी अधूरी हो जाएगी, ठिकाना नहीं मेहनत हमारी अधूरी हो जाएगी, इसलिए हम भी जब कोई आलिम का खतीब का तकाजा रखता है बेरूम से तो हम उनसे पूछते हैं भाई वहाँ मकान है, मकान रहेगा तमाम घर वालों को अपनाइयत के साथ वो मेहनत करेंगे, मकान ही रहेगा तो फिर जहाँ खिदमत करेंगे वहाँ अपनाइयत नहीं रहेगी, वहाँ उनसीयत पैदा नहीं करेंगे, वहाँ जुड़ेंगे नहीं, वहाँ जोड़ेंगे नहीं, अगराज अगराज जब तक इनके पूरे ना हो वहाँ खिदमत करते रहेंगे, अगराज पूरे होते ही चले जाएंगे। इसलिए हजरत ने दुआ मांगी, वबअस, या अल्लाह तो मबऊस कर, फीहिम रसूलन मिन्हुम, उन्हीं में का रसूल, और फिर क्या कर, वो क्या करे, यतलु अलैहिम आयातिक, वो आपकी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाएं, जैसे माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत होती है और आप तिलावत सुनते हैं समझते हैं, तो आपके सामने कोई मौलाना कुरान पाक की आयत तिलावत करते हैं उसका तर्जुमा बताते हैं, तो यतलु अलैहिम, यहाँ पर एक बात आपको समझने की है, कुछ लोग हैं डायरेक्ट किताब पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट बराह रास्त भाई हम डायरेक्ट किताब पढ़ेंगे, तर्जुमा कुरान मौजूद है, ट्रांसलेशन मौजूद है, क्या ज़रूरत मौलाना की, उठाइए ट्रांसलेशन कुरान, पढ़िए तर्जुमा, पढ़ते 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 कुरान पाक समझने की कोशिश करते हैं, यह अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह ने जब जब किताबुल्लाह नाजिल किया उस वक्त अल्लाह ने रिजालुल्लाह को भी नाजिल किया, किताब आई तो किताब को पढ़ाने वाले रसूल भी आए, तौरात है तो उसको समझाने वाले हजरत मूसा और हजरत हारून हैं, इंजील है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जबूर है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और अल्लाह के रसूल को बराह रास्त अल्लाह ने उसकी तशरीह, उसकी तौजीह, उसकी तमाम नुकात अल्लाह ने समझाया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, किताब पढ़ाए, आप तमाम किताबें आपने पढ़ाई, और तमाम किताबों में और किताबुल्लाह में फ़र्क क्या, तमाम किताबें एक मुश्त हाथ बहाथ, खुजिल किताब बिकुवा, लीजिए किताब मजबूती से पकड़िए, तौरात एक मुश्त, इंजील एक मुश्त, जबूर एक मुश्त, लेकिन अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया मुकम्मल फतरत वही को अगर निकाल दो तो 20 साल हो गए कुरान पाक के नुज़ूल में, क्यों अल्लाह ने इस तरह कुरान क्यों नाजिल किया, ताकि तदरीजन समझो, एकदम पूरे कुरान समझ में नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता कोई समझाने वाला हो, कोई पढ़ाने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो, अगर उस्ताज के बगैर समझोगे तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वो इरशाद फरमाया,
من فسر القرآن برأي, जो कुरान पाक की तफसीर अपनी तरफ से बयान करता है, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। क्यों? तू अपने मर्जी से अल्लाह का मंशा बयान कर रहा है, जो तू बोल रहा है वो अल्लाह नहीं चाह रहा है। अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के नुज़ूल का मकसद, अल्लाह के नुज़ूल का मतलब वो नहीं है जो तू बयान कर रहा है। इसलिए करना क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो मंशे को जाने जो मंशे के मुताबिक अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। वो मंशे को समझाएंगे कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उस मंशे को समझाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान से मुराद यहाँ आम इंसान भी मुराद ले सकते हैं, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी मुराद ले सकते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, यानी उलमा फरमाते हैं तमाम इंसान को तो अल्लाह ने ही पैदा किया, लेकिन अल्लमहुल बयान अगर आम इंसान मुराद लेंगे, इससे मुराद अल्लाह ने इंसान को बोलने की सलाहियत दी। और अजीब बोल, हर बात पर रोना, बच्चा क्या करता है? हर बात पर रोता है, लेकिन वो रोने का मतलब क्या है? अल्लाह ने उसका मफहूम माँ को समझा दिया, हालांकि वहां पुरानी माँ की माँ मौजूद है, माँ की नानी मौजूद है, माँ की दादी मौजूद है, उस माँ के खाला मौजूद हैं, कई कई बच्चों की माँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बच्चा कई को रो रहा, जाकर देख माँ। किसे बोलते हैं? माँ को। क्यों? माँ खुद समझ जाती है बच्चा भूख से रो रहा है, बच्चा पेशाब की वजह से रो रहा है, मच्छर की वजह से रो रहा है। अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इस बच्चे को कब कब रोना वो भी सिखाया, हालांकि एक ही रोना है, एक ही रोने का मतलब अलग अलग, और पूरा मफहूम सिखाया अल्लाह ने किसको? माँ को। दूसरा मतलब अल्लमहुल बयान हुजूर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुजूर को पैदा किया और अल्लाह ने कुरान भी सिखाया, कुरान की तशरीह, कुरान की तौजीह, कुरान की वजाहत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सिखाया। चुनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, वही दुआ की बरकत से आज भी मदारिस मौजूद हैं। मदारिस को हम क्यों कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान खाना। मदारिस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान खाना क्यों कहते हैं? अरे भाई, हुजूर का दरसगाह है। मदरसा क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरसगाह, हुजूर का दरसगाह। हुजूर ने सबसे पहले जो दर्स हासिल किया वो गारे हिरा में, और उम्मत को जो दर्स दिया वो सबसे पहले दारे अरकम में, दारे अरकम में, दारे अरकम मुस्तकिल आपने दारे अरकम में दर्स का निज़ाम बनाया, सबक आपने पढ़ाया, बाकायदा सहाबा इकराम जुड़ते थे, सहाबा इकराम जुड़कर हर बात को समझते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर। तो यहाँ हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी, और ये दुआ ही नहीं, ये तुलू अलैहिम आयातिक, यहाँ एक और एक इशारा है, वो इशारा ये हर ख़ानदान में नियत करो इंशाअल्लाह, हर ख़ानदान में कुरान पाक पढ़ने वाला हाफिज, समझाने वाला आलिम होना चाहिए। ये तुलू अलैहिम क्यों? जिस ख़ानदान में पढ़ने वाला हाफिज, समझाने वाला आलिम हो, इंशाअल्लाह वो ख़ानदान कभी गुमराह नहीं हो सकता। और हम लोगों को कदर ही नहीं, हमारे ख़ानदान जैसे हज़रत थानवी ने फरमाया, बदतरीन ख़ानदान है वो जिस ख़ानदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस ना हो, जिसमें वारिस नहीं, बदतरीन ख़ानदान। वो ख़ानदान कोई, उसे कहते हैं हमारी ज़ुबान में दलिंदरागी, ख़ानदान की दलिंदरागी कहते हैं नहुसत। वो किसे कहते हैं? मनहूस ख़ानदान उस ख़ानदान को कहते हैं जिस ख़ानदान में नबी का वारिस ना हो। तो इसलिए हम, अरे हम नहीं बन सके, हमारे बच्चों को बनाओ, हमारे बच्चों को बनाओ भाई। बच्चे नहीं बन सके, नवासे को बनाओ, पोतरे को बनाओ,
कितने ऐसे माशाल्लाह इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं, हाफिज भी हैं। हाफिज, एक हाफिज से मेरी मुलाकात हुई, अल्लाह उसे जजाए खैर दे, बड़ी खुशी हुई, दिल बाग बाग कर दिया। वो बेचारा रहता है बन्नारगट्टा में और आता है यहाँ, वो जो इलाका है, अरे भाई उसे क्या कहते, केआरपुरम आता है और रहता है कहाँ, बन्नारगट्टा। केआरपुरम कितनी दूर है भाई? उतनी दूर आता है वो। उसने मुझसे यूँ कहा, हजरत मैं जब गाड़ी चलाते हुए आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ढाई से तीन पारे पढ़ लेता हूँ रोजाना, आते हुए ढाई से तीन पारे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जाते हुए ढाई से तीन पारे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह को कितना महबूब होगा वो बंदा जो रोजाना छह पारों की तिलावत करता है। तो हम अपनी औलाद में यह शौक पैदा करें। आज भी पुराने किस्से, वो पुराने बुजुर्ग, मोबाइल ने सो जमाने के, इंटरनेट ने सो जमाने के, नेट ने सो जमाने के, लोग अब जिंदा हॉट न्यूज चलता फिरता नमूना आपके सामने, नौजवान जज्बात वाला, वो भी कतर का हाफिज। आज भी हमारे बच्चों में वो जज्बा है। जब आप नेक बनने का इरादा कर लेंगे, अल्लाह नेक बनने के रास्ते खोलता चला जाएगा। अगर आपने नेक बनने का इरादा ही नहीं किया, अल्लाह किसे नेक बनाएगा? तू ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं, अगर तू चाहे तो राहें हजार हैं। वे मुझे नेक बनना, नियत करेंगे अल्लाह नेक बना देगा। दिल, दिल के अंदर माशाल्लाह मुझे बहुत हैरत हुई। ये खातून, अल्लाह उसे जजाए खैर दे, अभी सागर गया था तो सागर में ये वाकया सुनकर अल्लाह अकबर हैरत की इंतहा नहीं रही। वो खातून ने ये सोचा, मेरा शौहर बड़ा पीवट है, हमेशा पीता रहता है, और उसके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि मुसलमानों के यहाँ पीना हराम है, मुसलमानों के यहाँ पीना हराम। हो सकता है मेरा शौहर मुसलमान बनकर पीने से रह जाए, पीने से बाज आ जाए, पीने से बच जाए। तो उस अल्लाह की बंदी ने सिर्फ और सिर्फ शराब छुड़ाने के लिए अपने शौहर को मुसलमान बनाया। देखो अल्लाह की कुदरत देखिए, और खुद मुसलमान बनी, हालांकि कोई दाई नहीं गया, कोई समझाने नहीं गया। इसीलिए कहा कियामत के करीब अल्लाह ऐसी हिदायत की हवा फैलाएंगे, लोगों को खुद ये बात समझ में आएगी हम ही पनाह अगर कहीं है इस्लाम में है। हर कच्चे पक्के घर वाले इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, और हर ये को जोड़ कर जो इस्लाम में दाखिल होते हुए आप सुनेंगे, इस वक्त अमेरिका में अदना दर्जा सालाना 20,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, ईयरली 20,000 लोग। वो न्यूज कौन बताता है? आज भी उलमा का तकाजा है, अच्छे अच्छे उलमा का डिमांड है, वे अंग्रेजी बोलने वाले वहां आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। क्यों? पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारे पास उलमा की कमी है, हुफाज की कमी है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला नीयत पर फैसला करते हैं, पहले नीयत। और आज वो बेचारा जो इस्लाम कबूल किया, वो वहां के मरकज का मौजिद है, और वहां के साथी कहने लगे इतने पाबंद, शायद इस्लाम कबूल करने के बाद से, जब वो चार महीने जमात में जाकर आए, उसके बाद से शायद इनकी तहज्जुद छूटी हो, इतना पाबंद। खुद उनका बेटा कहने लगा हमारे वालिद की पाबंदी पर हमें हैरत होती है। बे हम मदरसे में पढ़े हुए बच्चे, उनके वालिद जब उनको मिलने के लिए आए चार महीने लगाकर, तो वो बच्चे अपने साथियों से जमात के पीछे लगे, कहाँ भाई हमारा अब्बा, हमारा अब्बा है नहीं क्या?
वो खामोश बैठकर मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर, कहने लगे न कौन जी न खड़े हिस्सो। देख कर हैरत में पड़ गया हिस्सा, नूरानी चेहरा बन गया और ऐसी माशाल्लाह जिसके चेहरे पर सुबह से शाम तक लानतें बरस रही थी, आज उसी के चेहरे पर रहमतें बरस रही हैं। इतलु अलैहिम आयातिक, या अल्लाह मैं तो काबे की तामीर तो कर दिया, लेकिन काबे की तामीर के बाद इसके इर्द गिर्द रहने वालों की इज्जत, एहतराम, तरबियत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आपका कलाम पढ़ पढ़ कर सुनाने वाला नबी यहां ना आए। कोई सुने या ना सुने, पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे, पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे, पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे। पढ़ते क्यों? खाली सुनने के लिए। अमल गोया अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ने की मेहनत करें। यतलु अलैहिम आयाती, इसीलिए फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत बाज़ लोग करते हैं, कुरान उन पर लानत करता है। रुब क़ारी लिल्कुरान वल कुरान यलअनहु, क्या मतलब? कुरान घसीट घसीट कर खाला जान के पास सीखे सो कुरान उन्नो, खाला जान कैसा पढ़ाती? अलीफ लाम घसीट लग जाती रहती, कोई भी उसमें मध्य कितना घसीटना, मीम खाला जान पढ़ सका। ज़ालिकल किताबु मंसूर है क्या? हाँ, ज़ालिकल है क्या? मुझे चिढ़ होता है जब लोग अल्लाहु अकबर अल में गुन्ना है क्या? अल क्या देखो, अल्लाहु अकबर लाम को घसीटना, अल को नहीं। अरे समझने की कोशिश करो, किसको नहीं घसीटना है? अल नहीं, किसे घसीटना? सो अल्लाहु अकबर अल्लाह, गलत। कोई भी पढ़ रहा हो, बड़ा हो या छोटा, गलत गलत, अल नहीं होता, अल्लाहु अकबर। ये खाला जान के पास कुरान पढ़े, कुरान को चुबा चुबा कर शहीद कर कर को है। मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत जबरदस्त और पुरमाना अजीब इश्क से भरी हुई एक नात है, आशिके इश्के नबी, आशिके इश्के नबी में जलकर सुख पाने का नाम, अजीब। अगर वो उस पर तरफ तवज्जो आप देंगे, अल्लाह अकबर, कैफियत तारी हो जाएगी आप पर। ऐसी बेहतरीन नात हजरत एक मरतबा जलसे में तशरीफ फरमाए, एक पूहड़ किस्म के इंसान को लाकर खड़ा कर दिया और वो नात पढ़ रहा है, हजरत की नात थी, और ऐसी नात शहीद कर करके पढ़ रहा था। हजरत बोले भाई क्या पढ़ना चाहते हैं? ये नात पढ़ना चाहते हैं? कौन सी नात? ये कहाँ पे? इनको बिठा दीजिए, ये पढ़ रहे हैं, मुझे सर में दर्द हो रहा है। पढ़ने का एक तरीका होता हुस्न, भाई आपकी नात कोई अच्छी आवाज में पढ़े, अच्छे अंदाज में, खुशी होती कि नहीं होती? कोई शहीद करना पड़े तो अल्लाह का कलाम कैसे पढ़ना चाहिए, किस अंदाज से पढ़ना चाहिए? अगर कोई अल्लाह का कलाम शहीद कर करके पढ़ता है, जबकि बेहतरीन कलामुल मुलुक मुलुकुल कलाम, बादशाह के बादशाह का कलाम, ये तमाम कलामों का बादशाह है, जब आप इस कलाम को पढ़ रहे हैं कितने बेहतरीन आवाज में, हस्सीनु अस्वातकुम, हुजूर ने हुक्म दिया अपनी आवाज को बेहतर से बेहतरीन बनाकर कलामुल्लाह पढ़ा करो, अच्छे अंदाज में पढ़ा करो, सही अंदाज में पढ़ा करो। कुरान पढ़ते हैं लोग, कुरान उन पर लानत करता है, उसके लिए तजवीद सीखने को कहा जाता है, तजवीद के साथ कुरान पढ़ो। और सीखने के लिए रोजाना 15 मिनट अपने उलमा के साथ बैठे बस काफ़ी है। तो ये तुलू अलैहिम आयाती, आपकी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और फिर सुनाना ही नहीं, वयुअल्लिमुहुम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब भी समझाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हफ्ते हफ्ते को जो कुरान पाक का दर्स होता है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत की बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे किसकी दुआ की कबूलियत की बरकत? जहाँ भी दर्स हदीस हो वो किसकी दुआ? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के में कुरान की तिलावत करने वाले को मांगा, मक्के में कुरान को समझाने वाले को मांगा, मक्के में रहकर कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को मांगा। चुनाचे आज भी मक्के में कुरान पाक का दर्स होता है, मदीने में कुरान पाक का दर्स होता है, तमाम मसाजिद में कुरान पाक का दर्स होना चाहिए। और जब तक कुरान से उम्मत जुड़ेगी नहीं कुरान को समझेगी कहाँ? भाई नहीं जुड़ेगी तो कुरान को समझेगी, जब समझेगी नहीं अमल कहाँ से करेगी? कुरान कह रहा है कुछ, हम कर रहे हैं कुछ। तो इंशाल्लाह इसके सिलसिले में तफसीली बात आइंदा आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया जाएगा। ये अल्लाह का एहसान है, करम है कि हम उम्मत को कुरान से जोड़ें, कुरान की तालीमात से जुड़े। हज़रत मौलाना इलिया साहब हम पहले फरमा करते थे, मेरी मेहनतों का असल मकसद उम्मत के अंदर दीन सीखने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरी मेहनत का असल मकसद क्या? उम्मत के अंदर दीन सीखने का जज्बा पैदा हो। हज़रत नादिर अली खान साहब हम पहले फरमाया करते थे, अरे भाई ऐसा जज्बा पैदा हो, ऐसा जज्बा पैदा हो, ऐसा जज्बा पैदा हो कि तुम सीखते 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 पूरे दीन को जान लो। चुनाचे हज़रत फरमाते मेरी ज़िंदगी का रोज़ाने का मामूल है कुरान के लिए एक घंटा देता हूँ, हदीस के लिए एक घंटा देता हूँ, मसाइल के लिए एक घंटा देता हूँ, ज़िंदगी भर सीरत के लिए एक घंटा देता हूँ, बैठता हूँ पढ़ता हूँ। अब जब हम लोग दीन नहीं पढ़ेंगे, अरे भाई नहीं पढ़ेंगे कम से कम सुन तो लेंगे इंशाल्लाह, भाई जो पढ़कर सुना रहे हैं वो तो सुन तो लेंगे, तो सुनेंगे तो ज़रूर भी ज़रूर। सहाबा इकराम अक्सर सुनने ही वाले थे, समीना वाताना, हमने सुना और हमने इताअत की, तो सब सुनेंगे भी इंशाल्लाह। और मस्तूरात को भी इंशाल्लाह सुनाने का नज़म बनाएंगे। ईशा के बाद तो बहरहाल मस्तूरात का निकलना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारी दिली तमन्ना, इसलिए कि मैं हफ्ते के दिन जोहर में एक जगह जाता हूँ, मस्तूरात में तफसीर होती है। और मस्तूरात माशाल्लाह ऐसे ऐसे यहाँ पर सवालात ही कोई करते ही नहीं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जिसमें मस्तूरात 3, 4, 5, 6 सवालात ना करते हैं। और अजीब अजीब सवाल, खुशी होती है सवाल करने पर। सवाल ये दीन का तलब और दीन सीखने का तड़प होने की अलामत। तो सवाल कोई कौन करता है? हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह फरमा करते थे, सवाल करना नल खोलने की तरह, नल खोलेंगे तभी तो पानी निकलेगा। नल के पास बैठ जाकर, या अल्लाह मेरे पास प्यास बुझा दे, ए मेरे परवरदिगार मैं ऊदबत्ती घुमाता हूँ मेरी प्यास बुझा दे, मोमबत्ती सिलगाता हूँ मेरी प्यास बुझा दे। प्यास बुझती क्या भाई? नल खोलो, खोलते ही प्यास क्या हो जाएगी? तो दरस हदीस, दरस कुरान हर मस्जिद मर्द और औरतों में इंशाल्लाह होंगे, जिहालत दूर होगी इंशाल्लाह। अल्लाह मिल के तो لك الحمد لك شكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القران الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القران الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القران الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله